तो चलिए स्वागत करते हैं एक और भी क्वेश्चंस के साथ। सागर नामक बच्चा ही ने क्वेश्चन पूछा है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत क्यूट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है इसको समझिए। कह रहा है कि सो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर एन, देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर एन, यानी कि एन क्या है, अगर एन का वैल्यू अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर आप सोचते हैं तो कह रहा है कि एक दो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर, एक दो तीन चार यही नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो कह रहा है कि देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर एन, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर कोई भी एन का ऐसा वैल्यू है ही नहीं जिसके चलते फॉर विच अंडर रूट एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन इज इरेशनल, जिसके चलते ये जो कहानी है पूरा का पूरा ये कहानी वो रेशनल हो, ये हो है ही नहीं, एन का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं जिसके चलते अंडर रूट एन माइनस वन अंडर रूट एन प्लस वन का वैल्यू रेशनल हो जाए। जैसे मान के चलिए आप एन का वैल्यू आप एक डालते हैं तो एक हमारा नेचुरल नंबर में इंटीजर में आता है, तो एन का वैल्यू वन डालिएगा तो वन माइनस वन प्लस यहाँ पे अंडर रूट वन प्लस वन, तो यहाँ देखिएगा तो ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट टू हो जाएगा, तो ये जीरो प्लस रूट अंडर टू। आप सोच के देखिए ये कैलकुलेशन तो इसी का था ना, तो कहाँ है रेशनल, इरेशनल है। यही बात आपको साबित करना है। अब एन का वैल्यू मान लो दस ले लिए तो दस माइनस एक हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा दस प्लस एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट नाइन, ये हो जाएगा अंडर रूट ग्यारह, तो ये हो जाएगा कितना आपका तीन हो जाएगा और ये बेचारा बाहर नहीं आ पाएगा। तो अगर रेशनल प्लस इरेशनल होता है तो उसे इरेशनल ही कहते हैं। तो यही साबित करना है कि कोई भी एन का पॉजिटिव इंटीजर में वैल्यू नहीं है जिसके कारण अगर आप अंडर रूट में एन माइनस वन कर दें और प्लस अंडर रूट एन प्लस वन कर दें तो वो रेशनल रहे। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका रूल क्या होगा। ये पाँच नंबर में क्वेश्चन आते हैं जब भी आते हैं, है ना, और पूरे पाँच नंबर दे के जाते हैं। इसमें हम लोग को मानना होगा, जैसे हम लोग रूट टू इज एन इरेशनल नंबर आता है प्रूफ करने के लिए, तो मानते हैं ना कि लेट रूट टू इज एन रेशनल नंबर, देन वी कैन राइट एज पी बाई क्यू फॉर्म, वही कहानी मानेंगे, ठीक है ना। लेट क्या मानेंगे, लेट अंडर रूट एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। हम मान लिए कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर अगर होगा तो इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख देंगे देयरफोर, है ना। इस प्रकार हम लोग अंडर रूट एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तभी तो आप रेशनल के, रेशनल का मतलब है क्या होता है, p बाई क्यू के रूप में लिख पाना। तो निश्चित रूप से इस नंबर को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं अगर ये रेशनल है तो, जो कि हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि रेसिप्रोकल ले लेंगे, है ना, एक बार हम लोग क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, है ना। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट मतलब वन बाई टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल प्रोकल बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ आप उल्टा कर दो, तो दोनों तरफ उल्टा करोगे तो ये क्या बनेगा जरा बताना, ये बनेगा वन बाई, या उसी को पहले लिख दो, क्यू बाई पी बन जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा वन बाई अंडर रूट एन माइनस वन और प्लस अंडर रूट एन प्लस वन, ऐसा बन सकता है रेसिप्रोकल लेने पे। अब आप इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज का मतलब होता है कि यहाँ प्लस है तो इसको साइन को चेंज कर दो, यहाँ पे एन माइनस वन माइनस कर दो, यहाँ पे एन प्लस वन कर दो, मतलब जो है वही, बस यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दो और जिससे मल्टीप्लाई की हो उसी से डिवाइड करो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना अलाउ थोड़ी है कोई एक्स्ट्रा नंबर से, तो सेम सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए माइनस बी, तो ऊपर में तो हमारा रहेगा ये क्यू बाई पी है, तो ये ऊपर में हमारा क्या रहेगा, अंडर रूट एन माइनस वन माइनस अंडर रूट एन प्लस वन, लेकिन नीचे क्या होगा, स्क्वायरिंग कर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे यूज होगा ए प्लस बी
और इनटू ए माइनस बी हम यहाँ लिख देते हैं, तो ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब अंडर रूट एन माइनस वन को आप ए मानोगे, इसको बी मानोगे, समझ रहे हो बात को, ये तुम्हारा पूरा ए का काम करेगा, ये तुम्हारा पूरा बी का काम करेगा, ये तुम्हारा ए का काम करेगा, ये पूरा बी का काम करेगा। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा जरा बताओ, ए का स्क्वायर हो जाएगा एन माइनस वन का स्क्वायर यानी कि एन माइनस वन, फिर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ये एन माइनस सॉरी एन प्लस वन, तो ये ब्रैकेट लगेगा ना यहाँ पे, यानी कि अब ये एन से एन कट जाएगा, कट जाएगा ना एन से एन, और ये माइनस वन ये हो जाएगा टू, माइनस टू आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ से देखिएगा क्या हुआ, क्या हुआ, ऊपर में आया हमारा q बाई पी इज इक्वल टू, नीचे से आया कितना, मतलब ऊपर से तो अंडर रूट एन माइनस वन माइनस अंडर रूट एन प्लस वन आया, और डिनोमिनेटर से कितना आया, n से n कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस टू हो जाएगा, समझ में आ रही बात, माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको इधर भेज दें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू क्यू बाई पी, माइनस टू क्यू बाई पी बराबर अंडर रूट एन माइनस वन, और नहीं तो माइनस को अगर आप ऊपर भेज दो, ऊपर भेज दो और यहाँ पे बस टू को इधर लेके आओ, तो टू क्यू बाई पी बराबर ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन हो सकता है। इस माइनस को ऊपर भेजेंगे तो ये फ्लिप कर जाएगा, ये माइनस है प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है माइनस में चला जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप इक्वेशन वन को और इक्वेशन टू को ऑब्जर्व करो, इसको आप इक्वेशन वन माने रहो जो माने हुए हो, और इसको आप इक्वेशन नंबर टू मानो। अब इस इक्वेशन को जोड़ो, जोड़ोगे तो एक कटेगा और घटाओगे तो भी एक कटेगा, तो जोड़ के देखो कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे क्या, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, नाउ इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, अगर आप इक्वेशन वन और टू को जोड़ते हो तो कितना होगा पी, मतलब देखो यहाँ पे ना सबसे पहले कि इसको LHS में ले आना चाहिए तब जोड़ना चाहिए, जैसे कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं P by Q बराबर अंडर रूट एन माइनस वन और प्लस अंडर रूट एन प्लस वन, और इसको आप इक्वेशन नंबर वन मानो, इसको भूल जाओ, ठीक है ना। तो अब इसको जोड़ोगे तो क्या होगा जरा देखो, ये आपका क्या है P by Q और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2Q by P, और RHS में क्या होगा जब जोड़ोगे तो देखो, ये है तुम्हारा अंडर रूट एन प्लस वन, ये है अंडर रूट एन प्लस वन, ये दोनों प्लस में है जुट जाएगा, यानी कि टू अंडर रूट एन प्लस वन हो जाएगा, लेकिन ये है अंडर रूट एन माइनस वन प्लस में, और ये है अंडर रूट एन माइनस वन माइनस में कट जाएगा, समझ में आ रही बात। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बात समझ में आया, ये चीज़ है। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एलसीएम पी क्यू, अब ये एलसीएम पी क्यू हो गया तो यहाँ पर पी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 2q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये q से q में गुना होगा, ये दो को हम इधर भेज देते हैं तो ये दो इधर हो जाएगा बराबर अंडर रूट एन प्लस वन। तो याद रहे कि हमारा ये जो कैलकुलेशन आया हुआ है ये आया हुआ है, ठीक है ना। अब आप इसको इक्वेशन नंबर तीन मान लो, एक और काम करना होगा, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को घटाना भी होगा, घटाते हैं देखते हैं क्या होता है, उसके लिए हमको अगला पेज लेना होगा, तो हम अगला पेज ले लेते हैं, और अगला पेज लेके हम थोड़ा सा इसको मिटाएंगे भी, है ना, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को रहने देंगे और यहाँ से अगला स्टेप करेंगे, बात समझ में आ रही बात। तो ये हम सब मिटा देते हैं क्योंकि ये हमारे पास है ऑलरेडी, तो टेंशन नहीं लेना है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू ही हमको बस चाहिए। सॉरी, ओहो इक्वेशन टू भी मिट गया ना, इक्वेशन टू को तो रहने देना है ना हमें, अब देखिए इक्वेशन टू को हमें रहने देना है तभी तो हम कर पाएंगे ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, अलग मार्कर यूज कर ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए,
इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू। जब वन में से टू घटाओगे तो क्या होगा, एनएचएस में तो तुम्हारा पी बाई क्यू है और माइनस वो क्या हो जाएगा, टू क्यू बाई पी, ठीक है। और आरएचएस में देखो, आरएचएस में आप क्या कर रहे हो कि इसमें से इसको घटा रहे हो, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जब ये माइनस होगा तो ये प्लस में अंडर रूट एन प्लस वन है और ये माइनस में कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस होगा तो अंडर रूट एन माइनस वन, अंडर रूट एन माइनस वन जुट जाएगा, यानी कि टू अंडर रूट एन माइनस वन होगा। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, पी क्यू, तो पी का गुना होगा तो ये पी स्क्वायर माइनस टू का क्यू स्क्वायर, और बराबर में ये टू जो है इधर आ जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा अंडर रूट एन माइनस वन। अब ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर तीन को और चार को, इक्वेशन नंबर तीन को और चार को, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है तुमने शुरू में क्या माना था, पी एंड क्यू जो पी बाई क्यू के रूप में था, उसमें हमने क्या माना था कि P एंड Q क्या है, आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स। तो अगर ये इंटीजर्स है तो तुम सोचो कि कोई इंटीजर P है उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अगर Q है उसका स्क्वायर करोगे इंटीजर आएगा, उसमें दो से गुना करोगे, जैसे कोई भी इंटीजर ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, उसका स्क्वायर करके देखो, 10 का स्क्वायर 100, इंटीजर ही ना आया। तो आप ये समझ लो कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करने से इंटीजर ही आता है, इंटीजर में इंटीजर जोड़ते हैं तो इंटीजर ही आता है, वो फ्रैक्शन नहीं हो जाता है। तो ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशनल है, रेशनल नंबर है ना, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर 10 हो गया, नीचे इंटीजर मान लो 20 होगा, तो 10 बटे 20 माने पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी रेशनल हुआ, इसका एलएचएस पार्ट और इसका भी एलएचएस पार्ट रेशनल हुआ, क्योंकि इंटीजर के स्क्वायर में से हम कुछ घटाएंगे तो वो इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर है ना, एलएचएस आर रेशनल, सो आरएचएस इज ऑल्सो रेशनल। और रेशनल ही नहीं, आरएचएस जो है, अब देखो आरएचएस लिखने की बजाय हम लिख सकते हैं आरएचएस ब्रैकेट में अंडर रूट एन माइनस वन अकेला एंड अंडर रूट एन माइनस वन इज ऑल्सो रेशनल। क्यों, क्योंकि ये रेशनल है तो ये भी रेशनल, और ये रेशनल है तो ये भी रेशनल। अब जरा समझना, अब इस बात को समझना, अब इसको है ना मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना, अगर यहाँ पे आ चुका है कि अंडर रूट एन माइनस वन भी एक रेशनल नंबर है, और यहाँ पे आ चुका है कि अंडर रूट एन प्लस वन भी एक रेशनल नंबर है। अब एन तुम्हारा एक पॉजिटिव इंटीजर था, तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाई ये हुआ कि एन माइनस वन इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होगा कि नहीं होगा। और n माइनस वन ही नहीं, हम पूरा लिख देंगे n माइनस वन, यहां पे n माइनस वन एंड n प्लस वन, n माइनस वन एंड n प्लस वन इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि एन पॉजिटिव इंटीजर जब घटाएंगे एक, जरा आप खुद सोच के देखो कि ये अंडर रूट लगा हुआ है और रेशनल बोल रहे हैं, तो जब अंदर वाली क्वांटिटी जो एन माइनस वन है और एन प्लस वन है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा, बात समझ में आया। यानी कि एन माइनस वन और एन प्लस वन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ही होना चाहिए तभी रेशनल होगा, जो कि इक्वेशन थ्री और फोर से कंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n माइनस वन और n प्लस वन एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब जरा समझना, n माइनस वन नाउ n माइनस वन, या फिर आप ये कह सकते हो कि n प्लस वन और माइनस में अगर n माइनस वन किया जाए तो यहां से क्या होगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रही बात, और ये रिजल्ट दे देगा कितना, दो।
क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस एक हो जाएगा ये, और ये एक प्लस में है। अब जरा सोचो कि दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम तुमसे लेने की बात करें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है, जैसे एक है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दो को परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस दो आ रहा है जबकि होता ही नहीं है। दो परफेक्ट स्क्वायर का नंबर, दो परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव ही होगा, दो परफेक्ट पॉजिटिव स्क्वायर का नंबर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कोई स्क्वायर नंबर है, उसका डिफरेंस कभी दो आता ही नहीं है, मिनिमम तीन आता है। कैसे? देखो स्क्वायर वाला नंबर को सेलेक्ट करो, एक हो गया, चार हो गया, नौ हो गया, सोलह हो गया, पच्चीस हो गया, छत्तीस हो गया, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बात समझ में आ रही है? ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब यहाँ पे देखो, अगर तुमसे हम चार में से एक घटाने को कहें तो तीन आएगा, नौ में से चार घटाने को कहें तो पाँच आएगा, सोलह में से नौ घटाने की कोशिश करें तो सात आएगा। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो माने परफेक्ट स्क्वायर भी हो और घटने के बाद दो दे दे, कम से कम तो तीन आएगा ही आएगा। तो यही बात को हमको लिखना पड़ेगा कि देयर इज या फिर ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ, है ना, डिफरेंस ऑफ एनी टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, डिफरेंस ऑफ एनी टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर एटलीस्ट थ्री इज या विल बी लिखो, होगा, विल बी एट लीस्ट थ्री, क्योंकि कम से कम तीन आएगा जबकि हमारा दो आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है? ड्यू टू रोंग एजम्पशन। तो यहां पे हम ये बात लिख देंगे, दिस हैपेंड ड्यू टू रोंग, सो इट कांट बी पॉसिबल, इट कांट बी पॉसिबल, सो सो अंडर रूट, या फिर यहां पे ऐसे लिख दोगे कि ये जो आया हुआ है, मतलब गलत आया हुआ है, ये गलत क्यों आया? दिस हैपेंड ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन। That is, this happened due to wrong assumption. यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ के बाद, ठीक है ना? That is root under n minus 1 plus root under n plus 1 is rational. So under root n minus 1 plus under root n plus 1 is irrational. प्रूफ्ड। ये बात समझ में आया? ये इसलिए घटना घटा क्योंकि हमने ये दो आया, अब दो को पॉजिटिव स्क्वायर का नंबर, इंटीजर का स्क्वायर का नंबर दो आ ही नहीं सकता है। ये इसलिए घटना घटा क्योंकि हमने शुरू में ही मान रखा था क्या, कि रूट अंडर एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन इज रेशनल नंबर। तो इस मानने की वजह से ये मतलब जो रिजल्ट आया वो गड़बड़ बता रहा है, तो हम माने हुए ही गलत थे। जो हम माने थे कि ये रेशनल था ही नहीं, क्योंकि रेशनल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? नहीं तो वो बात सही आता है, कम से कम तीन आता। तो बस वीडियो ख़त्म हो गया। आपको अगर समझ में आ गया तो आप जीरो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जस्ट जो है आप क्लास 10th से 11th में जाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि क्लास 11th में एकदम सीरियल वाइज वीडियोज़ प्रत्येक चैप्टर का एकदम बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। क्लास 11th भी कवर हो जाएगा आपका, जेई मेंस का भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो भी कवर हो जाएगा। अभी हम शुरू नहीं कर रहे हैं, मार्च से हम क्लास 11th का भी क्लास पूरा एकदम प्रत्येक चैप्टर 1 से, या जो सबसे पहले ज़रूरी होता है,
बेसिक चैप्टर, उसको स्टार्ट करके हम कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।